भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया की तरफ से कब खेलने उतरेंगे इसका पता किसी को नहीं है। चयनकर्ता और टीम इंडिया के कप्तान को भी इस बात की खबर नहीं कि धोनी टीम में वापसी करेंगे या नहीं। आजकल पूर्व कप्तान कहाँ हैं ये सोशल मीडिया के जरिए उनके फैंस को पता चलता रहता है। वैलेंटाइन डे पर धोनी ने एक टाइगर की तस्वीर शेयर की और उसके साथ जुड़े अपने अनुभव शेयर किए। धोनी को बाइक से कितना प्यार है ये सभी जानते हैं, लेकिन शुक्रवार को उनका एक नया पहलू देखने को मिला। धोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वैलेंटाइन डे पर एक टाइगर की तस्वीर साझा की और इसके साथ बिताए वक्त के बारे में भी बताया। पूर्व कप्तान ने ट्विटर पर इंस्टाग्राम के एक पोस्ट का लिंक शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जब आप खुद एक टाइगर को सामने देखते हैं और वो आपको कुछ तस्वीरें खींचने की अनुमति भी देता है, कान्हा को देखने जाने का अनुभव बहुत ही शानदार रहा। पूर्व कप्तान इन दिनों मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में हैं, वहां वन विहार के अनुभव ले रहे हैं। धोनी ने अपने इस खास अनुभव को कैमरे में कैद किया और उसे सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी बार भारत की तरफ से इंग्लैंड और वेल्स में खेले गए आईसीसी विश्व कप सेमीफाइनल मुकाबले में मुकाबला खेला था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए विश्व कप के इस मुकाबले में टीम इंडिया को हार मिली थी। भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना इस हार के साथ ही टूट गया था। जुलाई में हुए इस मुकाबले के बाद से अब तक धोनी टीम इंडिया की जर्सी में मैदान में वापस नहीं लौटे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि धोनी बहुत जल्द मैदान में वापसी करेंगे। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।